أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن كيسے ہیں آپ سب؟ मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, अल्लाह सुबहान तआला की नेमतों के दिल से शुक्रगुजार होंगे। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात पे, मुसीबतों पे मुस्कुराते हुए सब्र के साथ कह रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। हमने दौरा कुरान पाक 2023 का आगाज़ किया। अल्लाह के करम से, उसकी मदद से, उसकी तौफीक से आज हम पारा नंबर 10 वालमु का खुलासा करेंगे और देखेंगे क्या है हमारे अल्लाह के पैगामात और अहकामात हमारे लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी श्रहली सौदरी व यसली अमरी वहलुल उगदतम मिल लिसानी यफकहू कौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फकहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्कन तौयिबन व अमलन मुतकब्बला। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बी यसर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। पारा नंबर 10। इस पारे का बुनियादी मौजू है मोहब्बतों की आजमाइश। एक इंसान जिस दिन से इस दुनिया में आता है और जब तक इस दुनिया से चला नहीं जाता, वो पूरी जिंदगी मोहब्बतों के हसूल के लिए हर तरह से कोशिश में लगा रहता है। वो खुद भी अपने प्यारों से मोहब्बत करता है और चाहता है कि उससे भी मोहब्बत की जाए। इन्हीं मोहब्बतों के हसूल के लिए वो बहुत दफ़ा ऐसे काम कर बैठता है जो उसको नागवार गुजरते हैं, उसे नापसंद होते हैं और बहुत दफ़ा गलत भी होते हैं। मोहब्बत इंसान की आजमाइश है। खुद से सवाल कीजिए, मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हूँ? सब कहेंगे अल्लाह, लेकिन अब अमल के दायरे में देखिए, क्या मेरा अमल ऐसा है कि अल्लाह सुबहान व तआला ये कह सके कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे ही करती हूँ? आप अपना जवाब पा लेंगे। अगर कोई भी रिश्ता, किसी भी चीज़ की मोहब्बत, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्त हो, अजीज़ो अकारिब हो, रिश्तेदार हो, माल हो, दुनिया हो, या किसी भी चीज़ के हासिल करने की हिर्स हो, अगर कोई भी मोहब्बत अल्लाह सुबहान व तआला के अहकामात को मानने से मुझे रोकती है, उसकी अतात से रोकती है, तो वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से आगे आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है। हमें हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले मैंने मोहब्बत करनी है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैंने करनी है अपने अल्लाह से। सबसे पहले अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह के अहकामात, उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें। देखते हैं हम इस बारे में कैसे मोहब्बतें इंसान की आजमाइश बनती हैं। सूरह अनफाल चल रही है, जो जंगे बदर के बाद नाजिल हुई। इसमें जंग के आदाब और अहकाम और गलबा और शिकस्त के असबाब बयान किए गए हैं। कैसे लोगों के लिए उनके माल की मोहब्बत उनकी आजमाइश बनी, कैसे लोगों के लिए उनके घर की, उनकी खेती की, उनके कारोबार की, उनके अपने प्यारों की मोहब्बत आजमाइश बनी उनके लिए। जंग के बाद कुफार से जो माल गनीमत मिले, इसकी तकसीम कैसे हो, ये सवाल सहाबा कराम करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह सुबहान तआला ने फरमा दिया, पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इनके रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन के लिए।
माल गनीमत की तकसीम कैसे हो ये अल्लाह ने बताई और इसकी हिकमत और एहसानात का जिक्र किया। माल एक ऐसी चीज है कि अगर बंदा उसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल जाए तो बहुत दफा अपने प्यारे रिश्तों को भुला बैठता है, तकलीफ पहुंचा बैठता है। माल की मोहब्बत हमें अपने दिल से मिटानी है। ये माल अल्लाह की अता करदा चीज़ है, ये उसी की तरफ से मुझे मिली है और दोबारा ये मुझसे ले ली जाएगी, तो मोहब्बत मैंने करनी है अल्लाह से और उसका दिया हुआ माल खर्च करना है उसकी राह में। जंगे बदर के वाक़े के इस वाक़े की तरफ इशारा है, किस तरह एक कमज़ोर जमात ने बड़ी जमात को हरा दिया। जंगे बदर में मुसलमानों को कुफार की फ़ौज को कलील दिखाया गया, इससे मुसलमानों को तकवीत मिली। आज भी आप मुश्किल हालात में खड़े हों, आपके कोई मोहब्बत आपकी आजमाइश ले रही हो, तो अपना तवक्कल अल्लाह सुबहान व तआला पे रखें। अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहें कि मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है। आपका तवक्कल बढ़ जाएगा और इंशाल्लाह आप आजमाइश से फ्लाइंग कलर्स के साथ गुजर जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। जमात की कामयाबी अमीर की अताअत के बग़ैर मुमकिन नहीं। कुफार का तरीका इख्तियार ना करो जो ईमान के बजाय गरूर और तकबर और रियाकारी के तरीके इख्तियार करते हैं। मुसलमानों का तरीका, जी हाँ मुसलमानों का तरीका ये है कि मजबूत ताल्लुक बिल्ला और इज्जो इनकसारी और इखलास पर रहें। आज हमने अल्लाह सुबहानो ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, अपने अंदर इज्ज और इनकसारी और इखलास की क्वालिटीज़ को पैदा करना है। शैतान से मुराद, एक स्पेसिफिक आयत में शैतान से मुराद सराका बिन मालिक है, जिसने मुशरिकों की बद आमालियों को खुशनुमा बनाकर दिखाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही वो उल्टे पांव भाग गया, कहने लगा जो कुछ मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। जैसे कुफार, जैसे मुनाफिकीन मुसलमानों के साथ करते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही शैतान हमें अपने घेरे में लेता है, बुरी चीज़ों को खुशनुमा बना के हमारे सामने पेश करता है। लेकिन जब कयामत के दिन हम अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे, हमारा नामा या अमाल हमें दिया जाएगा, उस वक्त वो उल्टे पांव हमसे भाग जाएगा और कहेगा मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। मुनाफिकों ने कहा कि मुसलमानों को दीन ने मगरूर कर दिया, लेकिन जिन लोगों का अल्लाह पर कामिल भरोसा था वही कामयाब हुए। अल्लाह सुबहान व तआला पे हमने भी कामिल भरोसा रखना है। कौमों के अरूज व जवाल और मौत व हयात का कानून बताया गया। बदतरीन जानदार वो इंसान है जिन्होंने अक्ल व हवा से सही काम नहीं लिया, कुफर की राह इख्तियार की। अल्लाह सुबहान व तआला हमें बदतरीन जानदार बनने से बचाए। अगर किसी गिरोह से दगा का अंदेशा हो तो चाहिए कि इसका अहद इन्हीं पर उल्टा दे। मुसलमानों, हर किस्म की फौज पैदा करो, अपने मकदूर के मुताबिक हर किस्म की जदीद फौजी असलहे से लेस हो जाओ। दुश्मनों पर अपनी धाक बिठा लो। अल्लाह की राह में जहाद की तैयारी में जो कुछ भी तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। किसी किस्म की बेइंसाफी ना होगी। आज हम जहाद कैसे करें? आज सबसे पहले कुरान पाक की तालीम को स्प्रेड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तमाम रिसोर्सेज अपने लगा दीजिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो अल्लाह की राह में काम कर रही हैं, वो जहाद कर रही हैं, आप भी उनके मुआविन बन जाएं। अगर दुश्मन सुलह की ख्वाहिश रखे तो तुम भी झुक जाओ। माल गनीमत में जो हलाल और तैयब मिला है इसे पाकीज़ा समझ कर खाओ और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो ईमान लाए और जिन लोगों ने इनको जगह दी और मदद की, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। अगर आज आप अल्लाह सुबहान व तआला की राह में खर्च करते हैं, ईमान वालों को इल्म वालों की मदद करते हैं, तो आप उनके भाई का दर्जा रखेंगे और अल्लाह सुबहान व तआला आपको बेहतरीन अजर देगा इंशाल्लाह। दूसरे हिस्से का आगाज़ सूरह तौबा से होता है। ये मदनी सूरत है, 129 आयात हैं।
2,506 अल्फाज हैं, 11,116 हरूफ हैं। सूरह तौबा 9 हिजरी में नाजिल हुई। इस वक्त मुसलमान गालिब आ चुके थे, इसलिए शिर्क, जाहली रस्मों और मुनाफिकों के बारे में अहम फैसले बताए गए। अरब के बाहर जो ताकतें इस्लाम को रोक रही थीं, इनके बारे में हिदायत देगी। इस सूरत में कसरत से तौबा का जिक्र किया गया। मुशकीने अरब ने मुसलमानों पर हर किस्म का जुल्म किया था, इन्हें कत्ल करने की पूरी कोशिश की, इसलिए अल्लाह ने इनसे बरात का ऐलान कर दिया और इन्हें 4 महीनों तक की मोहलत दी और लड़ने वाले लोगों ने से किताल का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन ग्रेजुअली आया और उन्होंने इस्लाम को ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया। फतह मक्का जो 8 हिजरी में हो चुकी थी, उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को 4 महीने की मोहलत दी। अमल का नुक्ता क्या है? अगर आप पे को अल्लाह सुबहानो ताला ने ईमान की दौलत दी है, तो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे हार्श मत हो। आहिस्ता आहिस्ता आप हिदायत की तरफ बढ़ते जाएंगे, वो पीछे 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 आपको फॉलो करते वहां पहुंच जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत रखने के बावजूद कुफार को मोहलत दे रहे हैं। आज हम अपने प्यारों को मोहलत क्यों नहीं देते? हम क्यों इतने रिजिड हो जाते हैं? हम क्यों इतने ताने देने लग जाते हैं? हिदायत देना मेरे अल्लाह का काम है, ये बात हमेशा याद रखें। हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। आज से अहद करें, मैं अपने बच्चों के साथ रिजिड नहीं होंगी। मैं उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, सिखाऊंगी, नमाज पढ़ लो, लेकिन उनके ना पढ़ने पर कुफर के फतवे नहीं लगाऊंगी। मुशकीने अरब ने मुसलमानों पर हर किस्म का जुल्म किया था, इन्हें कत्ल करने की पूरी कोशिश की, इसलिए अल्लाह ने इनसे बरात का ऐलान किया और इन्हें 4 महीनों तक मोहलत दी और लड़ने वाले लोगों से किताल का हुक्म दिया। एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह, रसूल और इसकी राह में जहाद से होनी चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है अपने अल्लाह से। बहुत दफ़ा जब आप दीन के रास्ते पे आते हैं, दीन को फॉलो करते हैं, दीन के अहकामात मानना शुरू करते हैं, तो लोग आपको कहते हैं डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन आप मुस्कुरा दिया करें, क्योंकि ईमान वाले तो अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं, और अगर अल्लाह से मोहब्बत में शदीद ना हो तो फिर ईमान नहीं होता। उन्होंने नबियों को अल्लाह का बेटा बना लिया, नाउज़ु बिल्लाह, और उल्मा को हलाल और हराम का इख्तियार दे दिया। और इस वक्त ये मुमकिन ना था कि कोई इनके मुल्क में मुसलमान हो सके। इनसे लड़ने का हुक्म दिया गया ताकि वो रुकावट ना बने। तीसरे हिस्से में बताया गया कि अहले किताब के उल्मा लोगों का माल ना हक खाते थे और बखील थे। मुसलमानों को बुखल से मना किया गया और कहा कि जो लोग ज़कात ना दें, इनकी पेशानियों, पहलुओं और पीठों को आग से दागा जाएगा। जंगे तबूक की तरगीब में कहा गया, इसमें सुस्ती ना करो, वक्त, मेहनत और माल लगाओ। आज अल्लाह सुबहानो ताला के रास्ते में हमने सुस्ती नहीं करनी। अपनी अबिलिटीज़, अपनी ज़ात की अबिलिटीज़, मेरी क्वालिटीज़ मेरी अल्लाह की दी हुई हैं, वो सारी क्वालिटीज़ मैंने अल्लाह की राह में लगा देनी है। अपनी मेहनत अल्लाह की राह में करनी है और अल्लाह का दिया हुआ माल उसी की राह में खर्च करना है। मुनाफिकीन झूठे उजर पेश करके जंग में शरीक नहीं हुए। सच्चे मोमिनों ने कोई उजर पेश नहीं किया और कुर्बानी दी। फिर अल्लाह ने मुनाफिकीन की मक्कारियां, फितना और शरारतें बयान की। अल्लाह ने तख्लीक से जमाने की गर्दिश के लिए 12 महीनों की गिनती की है। हुरमत वाले महीने इसमें 4 हैं, जिसमें जंग से ममानियत की गई है। जहालियत की रस्म नसी, महीनों का तब्दील कर देना, उसका रद्द किया गया है। मुसलमानों, जब तुम्हें जहाद के लिए हुक्म दिया जाता है तो तुम क्यों सुस्ती करते हो? खुद से सवाल कीजिए, जब मैं अल्लाह का कोई हुक्म सुनती हूँ तो क्या उस पे अमल करते हुए मैं सुस्ती करती हूँ? क्या जब मैं अजान की आवाज़ सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ 1 मिनट ये काम कर लूँ, 1 मिनट वो काम कर लूँ,
क्या मैं सुस्ती करती हूँ? आज के बाद खुद से अहद करें, मैंने सुस्ती नहीं करनी। जब अल्लाह सुबहानो ताला का कोई हुक्म सुनूंगी, मैं कहूंगी समेना व अताना और मान लूंगी। जब अजान की आवाज आएगी, मैं दौड़ी दौड़ी जाऊंगी, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है। मुसलमानों, जब तुम्हें जहाद के लिए हुक्म दिया जाता है तो तुम क्यों सुस्ती करते हो? क्या आखिरत के बदले दुनिया को मकसूद बना लिया है? हालांकि ये जिंदगी मताए कलील है। अगर तुम जहाद के लिए इकदाम ना करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी दूसरे गरों को ला खड़ा करेगा, तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा। गार का वाकया बयान किया गया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया, सिर्फ दो आदमी थे और तीसरा इनके साथ अल्लाह था। दोनों गार में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथी से कहा, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। आज भी हमेशा याद रखिए, हर सिचुएशन में हर वक्त अल्लाह आपके साथ है। खुशी हो, गमी हो, मुसीबत हो, राहत हो, अल्लाह आपके साथ है। जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन से लेके, बल्कि उससे पहले भी, और जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे और इस दुनिया के बाद भी, अल्लाह ही आपके साथ होगा। तो फिर हम कैसे उसकी मोहब्बत में शदीद ना हो और कैसे उसकी मोहब्बत को बाकी मोहब्बतों से पीछे कर दें? हर हाल में अपनी जानो माल के साथ जहाद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि तुम हमारे लिए जिस बात के मुंतजर हो, दो भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे लिए इस बात के मुंतजर हैं कि अल्लाह तुम पर अजाब भेज दे। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारे ईमान के दावे सच्चे नहीं, क्योंकि नमाज के लिए भी काहली के साथ आते हो और खर्च भी नागवारी से करते हो। हमारे लिए चेक पॉइंट है, क्या मैं नमाज में सुस्ती करती हूँ, काहिली के साथ नमाज की तरफ जाती हूँ, और जब कभी अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन की राह में अपने किसी प्यारे की मदद के लिए कुछ निकालना पड़ता है, तो क्या वो मेरे दिल पे गिरा गुजरता है? अगर गुजरता है तो अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारे ईमान के दावे सच्चे नहीं। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि माले ज़कात की तकसीम में तुम पर ऐब लगाते हैं। अगर कुछ मिल जाए तो खुश, ना मिले तो बिगड़ जाते हैं। क्या ही अच्छा होता कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ दिया है खुशी से लेते और कहते हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इसके बाद मसारिफ़े ज़कात बताए गए और ये बताया गया कि ज़कात के 8 मसारिफ हैं। चौथे हिस्से में ये बताया गया कि मुनाफिकीन हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने वाली बातें करते हैं। मुनाफिकीन हर वक्त डरते हैं कि कहीं इनकी हकीकत खुलने वाली सूरत ना नाजिल हो जाए, लोगों में बुराइयां फैलाते हैं। अल्लाह ने मुनाफिकीन से कहा, तुम्हारे लिए आग और लानत है, तुमसे पहले मजबूत और खुशहाल तरीन लोगों को भी सजा दे दी जा चुकी। मोमिनीन एक दूसरे के वली हैं, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्तों के साथ कैसा रवैया रखें? क्या उन पे तानाजनी करें? क्या उनकी गीबतें करें? क्या उनसे हसद करें? नहीं, सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं, ये हमेशा याद रखें और एक दूसरे का भला करता जाएं। मोमिनीन एक दूसरे के वली हैं और इबादतों के पाबंद हैं, मारूफ का हुक्म देते हैं और मुनकिर से रोकते हैं। चेकलिस्ट मिल गई मोमिनीन को, क्या करते हैं? इबादतों के पाबंद होते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और एक दूसरे के लिए आसानियां बांटते हैं। खुद से अहद करें कि मैं दूसरों के लिए आसानी बांटने वाली बनूंगी इंशाल्लाह। लोगों के खैर ख्वाह हैं, इनके लिए रहमत और जन्नत है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुफार और मुनाफिकीन के साथ इनके झूठ, फितना और मकारी की वजह से सख्त बर्ताव कीजिए, वादे से मुकर जाते हैं,
सदका देने वालों पर तनकीद करते हैं, इनकी किसी हाल में बख्शिश नहीं। पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन थे तो झूठे बहाने करके जंगे तबूक से पीछे रह गए। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिनके पास वसाइल नहीं थे। इल्ज़ाम दरअसल इन पर है जो मालदार होने के बावजूद बैठे रहने की इजाज़त मांगते हैं और पसंद करते हैं कि घरों में रह जाने वाली औरतों के साथ रहें। दर हकीकत खुदा ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। ये था पारा नंबर 10। आइए पारा पॉइंटर्स देखते हैं। माले गनीमत की तकसीम पहले हिस्से में बताएगी। शैतान की उकसाहटों का जिक्र किया गया। बदतरीन जानदार कौन है ये बताया गया। सुलह करने की तरगीब देगी। हिजरत और जहाद और नुसरत करने वाले कौन है बताया गया। दूसरे हिस्से में बरात जाहिर की गई मुशरिकीन से। मसाजिद आबाद करने वाले सिर्फ मुत्तकी होने चाहिए बताया गया। ज्यादा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से। अहले किताब के अकीदे के बारे में बताया गया। तीसरे हिस्से में अहले किताब के उल्मा की मुनाफिकतों के बारे में बताया गया। जंगे तबू की तरगीब दी गई। ज़कात के 8 मसरफ बयान किए गए। चौथे हिस्से में मुनाफिकीन की सिफात बताएगी। मोमिनों की सिफात बताएगी। सख्त बर्ताव कीजिए ये कहा गया। पीछे रह जाने वाले कौन हैं उनके बारे में बताया गया। अमल की बात, इस बारे से हमने क्या सीखा। ईमान, तकवा और तवक्कुल इख्तियार करना है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत करनी है। आखरत को दुनिया के मुकाबले पर तरजीह नहीं देनी। सबसे पहले हमेशा अल्लाह है याद रखना है। हिजरत और जहाद करना है। ज़मीन वालों के लिए बाइसे रहमत बनना है। आज की आयत बहुत खूबसूरत आयत है। आइए इस पे गौर व फिक्र करते हैं। قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंद के का मकान, ये चीज़ें अल्लाह और इसके रसूल और इसकी राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हों तो रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। आज से हमने अपनी अमेंडमेंट करनी है और ख़ुद हर रिश्ते को नापना है और देखना है कि कहीं किसी चीज़ की मोहब्बत हुब्बे जा हुब्बे माल अल्लाह की मोहब्बत के आगे तो नहीं आ रहा। अपना ख्याल रखिएगा, गौर व फिक्र ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमने बदतरीन जानदार नहीं बनना। ये कुरान की रोशनी खुद भी लीजिएगा और इस रोशनी को आगे लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हम उम्मते वस्त हैं। ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। ये ना हो कल को ये आके हमारा गिरेबान पकड़ ले कि तुमने हम तक ये रोशनी ना पहुंचाई। अल्लाह सुबहान व तआला आप सबसे राज़ी हो। अल्लाह सुबहान व तआला आपका हामी व नासिर हो। आपको बेहतरीन अमल करने वाला मुसलमान बनाए और अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में शदीद हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।